ऐसा नंबर जिससे इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर रैशनल बन जाए। ये क्या है? इरैशनल है। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट टू अ रैशनल नंबर। तो हम क्या कहते हैं इसको? 2 -√5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 -5, मुझे आंसर मिला -1, विच इज अ रैशनल नंबर। सो आई कैन से द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर 2 +√5 इज 2 -√5, एंड फॉर 2 -√5 इट इज 2 +√5। जनरली हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब है आप इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करते हैं। यहां पर इरेशनल पार्ट का साइन पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव कर दिया, या नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया। सो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? एनीथिंग विच ऑन मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट्स इरेशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, दैट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर की भी हो सकती है और रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की भी हो सकती है। सपोज मैं एक एक्सप्रेशन दूं आपको, जैसे आपने यही लिया 2 +√5/3, से दिस इज माय एक्सप्रेशन, एंड आस्क यू टू रैशनलाइज द न्यूमरेटर। व्हेन आई से रैशनलाइज द न्यूमरेटर, इसका मतलब क्या है? मैं न्यूमरेटर को रैशनल नंबर बनाना चाह रही हूं। व्हाट इज हैपनिंग इन द डिनोमिनेटर, वो मेरा कंसर्न नहीं है अभी। मेरे को क्वेश्चन में बोला गया रैशनलाइज द न्यूमिरेटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 -√5 से मल्टीप्लाई और 2 -√5 से डिवाइड। ये प्रोसेस करने पर मेरा न्यूमिरेटर, अभी हमने देखा -1 बन गया, और डिनोमिनेटर में ये रैशनल नंबर आ गया। मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। मुझे क्या कहा गया था? न्यूमिरेटर को रैशनलाइज करो। दैट आई हैव डन। ठीक है जी। सिमिलरली मुझे कहा जा सकता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। सपोज अब मेरे पास एक्सप्रेशन दे दें 1/2 +√5, और अब मुझे कहा जा रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने को बोला तो 2 -√5/2 -√5, न्यूमरेटर हुआ 2 -√5, डिनोमिनेटर -1। डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर बन गया, न्यूमिरेटर में इरेशनल है, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट था डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर। इट मींस इट इज नॉट कि सिर्फ डिनोमिनेटर रैशनलाइज होते हैं, न्यूमिरेटर भी रैशनलाइज होते हैं, डिनोमिनेटर्स भी रैशनलाइज होते हैं। एक बात, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? एनीथिंग विच ऑन मल्टीप्लीकेशन कन्वर्ट्स द इरेशनल नंबर इनटू द रैशनल नंबर। इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल वी से कि अगर मैंने किसी भी चीज को रैशनलाइज करना है तो उसके इरैशनल पार्ट का साइन चेंज कर दो। बट दिस इज अ वेग जनरलाइजेशन। ऐसा हमेशा नहीं होगा। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वी मे हैव टू थिंक ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है जी। तो जो आज का क्रक्स है हमारा वो यही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, असर्शन रीजन देख लेते हैं। मॉड्यूल 3, यू हैव नंबर सिस्टम। चलिए जी, फर्स्ट असर्शन रीजन, द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 +√5 इज 2 -√5, इज इट करेक्ट और नॉट? अभी अभी हम करके हटे हैं। 2 + √5 को रैशनलाइज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम? 2 -√5। इट मीन्स कि जो असर्शन है वो ट्रू है। लेट अस गो फॉर द रीजन। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज रैशनल। मतलब मैं एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं,
या एक रैशनल को एक इरेशनल से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर रैशनल नंबर बनेगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है. इसका मतलब रीजन क्या हो गया? फॉल्स. असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आंसर क्या हुआ? सी. ऐसी सिचुएशन में मेरे पास जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज सी. नेक्स्ट असर्शन, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स एक्स एंड वाई इज हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई. कोई भी दो रैशनल नंबर दिए हैं एक्स एंड वाई, इनके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर इंसर्ट करने को बोला जाए, वन रैशनल नंबर. कैन आई इंसर्टेड बाय यूजिंग हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई? सपोज एक रैशनल नंबर है आपके पास 3/2, अनदर वन इज से 5/2. आई आस्क यू टू इंसर्ट वन रैशनल नंबर एंड आई से ये यूज करना है मुझे हाफ ऑफ 3/2 प्लस 5/2. क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ 5 और 3 8, ये बन गया 4/2. 2 इज 2 अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3/2 एंड 5/2? यस. 3/2 इज 1.5, दिस इज 2.5. 2 इज लाइंग इन बिटवीन टू नंबर्स एंड इज रैशनल ऑल्सो. सो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको एक रैशनल नंबर इंसर्ट करने बोला जाए, यू कैन डू इट बाय हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई. और अगर इरेशनल नंबर बोला जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई. वन रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल्स हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, वन इरेशनल बिटवीन टू रैशनल्स अंडर रूट एक्स वाई. इसका मतलब असर्शन हुआ ट्रू. अब चलते हैं रीजन पर. जल्दी से पढ़िए और मुझे बताइए क्या रीजन ट्रू है या फॉल्स है. देयर इज ओनली वन रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, False. दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं. इसके बारे में हम फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं. तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, आंसर इज अगेन सी. अगले असर्शन पर चलिए. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, इज इट ओके और नॉट? यस यस. कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर ले लो, आई कैन राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो. तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इज अ ट्रू स्टेटमेंट. एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर ऑल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स. बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर. इफ आई टेक से 3/2, दिस इज रैशनल, लेकिन 1.5 आ गया तो ये इंटीजर की कैटेगरी में नहीं जाएगा. हर एक इंटीजर रैशनल है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है. अब रीजन देख लो. एवरी इंटीजर एम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/1. यही बात हम कर रहे हैं. इंटीजर एम है, उसको m/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है. m/1 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो p/q फॉर्म आ गई. p इंटीजर, q इंटीजर, q नॉट इक्वल टू जीरो. सो आंसर फॉर दिस बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. सो आंसर इन दिस केस इज ए. तो पहले असर्शन रीजन का आंसर सी, दूसरे का सी, तीसरे का ए. अब हम चल रहे हैं फर्स्ट एमसीक्यू पर. चलिए जी, फर्स्ट एमसीक्यू जो है आपका, व्हाट इट सेज, इट सेज एक्स इज गिवन टू बी वन माइनस रूट टू, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है. एक्स
माइनस वन बाय एक्स क्यूब। अब ये जो पावर है ऊपर, ये क्यूब स्क्वायर पावर 10 20 जो भी मन करे हो सकता है। सबसे पहला मेरा काम मुझे निकालना है 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स का मतलब 1/(1 - √2). एंड रिमेम्बर, जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर्स में इरेशनल नंबर्स आ जाएं, आई डू नॉट प्रेफर टू वर्क विद देम एज सच। आई कन्वर्ट द डिनोमिनेटर्स इनटू रैशनल नंबर्स एंड देन आई वर्क विद दैट। एक जनरल सा इजी करने के लिए काम को हम क्या कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल पड़ा है तो उसको रैशनल में कन्वर्ट कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो। अब मुझे बताइए इस 1 - √2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। 1 + √2, हमने क्या कहा था, इरेशनल पार्ट का साइन बदल दो तो मुझे रैशनलाइजिंग फैक्टर मिल जाता है। करो जरा इसको सिंप्लीफाई, और 1 बाय एक्स क्या बना रहे हो बता दो। वन प्लस रूट टू न्यूमिरेटर तो ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर - √2 का स्क्वायर, सो दैट गिव्स मी 1 + √2/(1 - 2), आई कैन से नेगेटिव ऑफ 1 + √2। ये बात सभी को समझ में आती है। अब जो करना था उस पे चलते हैं। मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, मेरे पास 1 बाय x की वैल्यू आ गई है, दोनों को पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बनेगा। एक्स था 1 - √2, बीच में नेगेटिव साइन, और 1 बाय x की वैल्यू आई है -(1 + √2). ये थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि साइंस का थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 - √2, ये बीच वाला नेगेटिव साइन, और 1 बाय एक्स है -(1 + √2). नाउ लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। 1 - √2, ये नेगेटिव और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव पड़ा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1 + √2, और पूरे का क्यूब भी है, हियर इज द पावर 3। नाउ लेट अस फर्दर सिंप्लीफाई इट। 1 - √2 + 1 + √2 का क्यूब, ये गया 2 का क्यूब, सो आंसर इज, देख देख लो क्वेश्चन में किस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। व्हाट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखी थी और एक्स -(1 - x) का होल क्यूब आपसे पूछा गया था। तो पहला स्टेप हमने किया 1 बाय एक्स। 1 बाय एक्स में डिनोमिनेटर इरेशनल था, यूजिंग द रैशनलाइजिंग फैक्टर आई कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड गॉट द आंसर। इज इट ओके विद एवरीवन? चलो फिर मुझे एक जल्दी से बता दो, अगर मैं आपसे यहां पर एक्स +(1 by x) का क्यूब पूछूं तो मेरा आंसर क्या बनेगा, जल्दी जल्दी कर दो। कितना? -8। बस यही तो गड़बड़ है, करके देखो। यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, यू हैव द वैल्यू ऑफ 1 बाय एक्स, जस्ट पुट इट एंड सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तुक्के नहीं मारने हमने। एक्स है 1 - √2, नेगेटिव सॉरी प्लस हो गया बीच में, -(1 + √2) और क्यूब। अब जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, 1 - √2 ये हो गया -1, ये हुआ -(√2),
दिस इज माइनस रूट टू। इस नेगेटिव की वजह से अंदर के दोनों नेगेटिव, तो अभी क्या कैंसिल होगा? माइनस रूट टू, माइनस रूट टू क्या बनेगा? अरे माइनस एक्स हो तो क्या बनता है? अरे बा बच्चों, इफ आई डू माइनस टू आंसर विल बी प्लस फोर। क्या आंसर होगा इसका? क्या ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? इफ आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन लाइक दिस, इट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग माइनस टू विद माइनस टू और आई एम एडिंग दीज टू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये या ये दोनों में से क्या? आई एम एडिंग द टू, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग द टू। और जब दो नेगेटिव नंबर्स ऐड होते हैं तो आंसर नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव नहीं हो जाता है। तो जब आप माइनस रूट टू और माइनस रूट टू को ऐड करेंगे तो माइनस टू रूट टू इज वॉट यू आर गोइंग टू गेट, और उसका करना है क्यूब। ये बात समझ में आई है बच्चों की नहीं? ध्यान से इस बात को नोट कर लो, ये बहुत गड़बड़ है चीज में। इफ आई एम राइटिंग माइनस टू इट इज माइनस टू प्लस माइनस टू। जब भी आपके पास एक्सप्रेशंस आर लाइक माइनस थ्री माइनस फाइव, इट इज नॉट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू, इट इज सेम एज एडिशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स। तो यहां माइनस रूट टू में माइनस रूट टू एड करोगे तो माइनस टू रूट टू और ऊपर हो रहा है क्यूब। जरा आंसर बताएंगे? इफ यू विल क्यूब दिस एक्सप्रेशन व्हाट माय आंसर इज गोइंग टू बी? सोच समझ के आंसर करना। माइनस टू रूट टू का क्यूब करके आंसर क्या मिलने वाला है ये आपने मुझे बताना है। इतनी देर क्यूब करने का मतलब इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं? थ्री टाइम्स। माइनस टू रूट टू मल्टीप्लाइड विद माइनस टू रूट टू मल्टीप्लाइड विद माइनस टू रूट। पहले तो ये बताओ मेरा आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? दो इंटू दो चार, चार इंटू दो आठ। रूट टू इंटू रूट टू, वॉट इज रूट टू इंटू रूट टू? टू और एक रूट टू और बड़ा है तो -16 अंडर रूट टू। दोबारा देखो, ये दो इंटू दो इंटू दो रैशनल पार्ट मल्टीप्लाई हो गए, टू टू जा फोर टू जा एट। अब रूट टू को तीन बार मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू इंटू रूट टू से दो मिल गया और ये रूट टू पड़ा ही है, तो एट इंटू टू रूट टू, तीन नेगेटिव थे तो आंसर नेगेटिव में, सो 16 रूट टू। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं? बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? चलिए, अब आप केस स्टडी का पहला क्वेश्चन और दूसरा फटाफट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड। केस स्टडी फर्स्ट एंड सेकंड सेम लाइंस पर काम है सारा, डिटो। जल्दी जल्दी करो, मैं आंसर पूछूं फिर तुमसे। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, बी क्विक टू डू। यहां पर एक्स की वैल्यू आपको दी है 7 + 4√3, और आपसे पूछा गया एक्स प्लस वन बाय एक्स एंड एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो पहला स्टेप क्या करोगे, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे?
वन बाय एक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला, ट्राई टू फाइंड आउट वन बाय एक्स, वन अपॉन सेवन प्लस फोर रूट थ्री, डिनोमिनेटर फिर से इरेशनल है, रैशनल में कन्वर्ट करना है, जल्दी से करो और बताओ वन बाय एक्स की वैल्यू क्या बना रहे हो। हाँ जी, किया रैशनलाइज, क्या बनाइए, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सेवन माइनस फोर रूट थ्री से मल्टीप्लाई और सेवन माइनस फोर रूट थ्री से डिवाइड। तो न्यूमेरेटर इज गोइंग टू बी सेवन माइनस फोर रूट थ्री, डिनोमिनेटर में सेवन का स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर। सेवन माइनस फोर रूट थ्री, सेवन का स्क्वायर तो हो गया 49। अब जरा सोच समझ के आंसर करो, फोर रूट थ्री का स्क्वायर। फोर रूट थ्री का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही करके हटे हैं, फोर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री, बताना जरा क्या बनाओगे। सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाय थ्री, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, तो सिक्सटीन इंटू थ्री 48। इसका मतलब सेवन माइनस फोर रूट थ्री बन गया। तो मेरे पास वन बाय एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, सेवन माइनस फोर रूट थ्री। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। वन बाय एक्स इज सेवन माइनस फोर रूट थ्री। अब आपसे दो चीजें पूछी गई, एक एक्स प्लस वन बाय एक्स और दूसरी एक्स माइनस वन बाय एक्स। आपके पास ये वैल्यू पड़ी है एक्स की और वन बाय एक्स हमने कैलकुलेट कर दिया सेवन माइनस फोर रूट थ्री। चलिए जी, जल्दी से एक्स प्लस वन बाय एक्स बता दो क्या आएगा। पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स, पुट दी वैल्यू ऑफ वन बाय एक्स एंड सी व्हाट यू आर गेटिंग। फोर्टीन। आपने एक्स की वैल्यू डाली सात प्लस फोर रूट थ्री, वन बाय एक्स की वैल्यू डाली सेवन माइनस फोर रूट थ्री, ये कैंसल हो गया तो आंसर बना 14। और दूसरे का क्या बनेगा, एक्स माइनस वन बाय एक्स मीन सात प्लस चार रूट तीन। नेगेटिव से ये साइंस चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये और ये गया। आप जरा सोच के बताना, जब फोर रूट थ्री में फोर रूट थ्री ऐड करोगे तो आंसर क्या बनाओगे। फोर्टीन 14। अच्छा, इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि 14 कैसे बना, फोर रूट थ्री में फोर रूट थ्री ऐड करना है। आंसर शुड बी, हाँ जी, व्हाट शुड बी द आंसर इफ आई ऐड फोर रूट थ्री एंड फोर रूट थ्री। और क्या बात, बहुत मुश्किल बात पूछ ली है मैंने। 48। हाँ, फिर क्या आंसर होगा।
अरे बोलने में इतना कष्ट क्यों है? 4√3 + 4√3 बोल दो, क्या बनेगा? एट अंडर रूट थ्री, सेम नंबर इज एडेड 2 times, सो ट्वाइस ऑफ द नंबर, दैट इज 8√3. सो केस स्टडी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 14, दैट इज डी पार्ट, और सेकेंड का आंसर ए पार्ट, 8√3. अब चलते हैं जरा थर्ड पार्ट पर. थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू भी पड़ी है, x माइनस 1/x की वैल्यू भी पड़ी है, x भी पड़ा है. मुझसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x². क्या समझ में आता है कि कैसे प्रोसीड करूं मैं इसमें? हाँ जी, नाइन्थ ए से त्रिशा, त्रिशा फ्रॉम नाइन्थ ए, फटाफट माइक के पास आ जाओ बेटा. जब तक आपको बुला के ना पूछो, आप बोलते ही नहीं हो, पता नहीं बोलने में बहुत ही कष्ट है. बोल बच्चा क्या करूं? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना, व्हाट शुड आई डू? क्या स्टेप मुझे फॉलो करना पड़ेगा? आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² रैशनलाइज किसको रैशनलाइज करूं बेटा? मुझे वैल्यू चाहिए एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x². किस चीज को आप कह रहे हो कि रैशनलाइज कर दो? नाइन्थ है समीक्षा, जाओ जी सीट पर. आप समीक्षा कम नहीं है तो माइक. नाइन्थ है, हाँ जी, क्या स्टेप समझ में आता है? क्या करूं? मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, व्हाट शुड आई डू? we have to multiply it with 2. अच्छा, मतलब आप कहते हो एक्स प्लस 1/x अगर मेरे पास हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बन जाएगा. स्क्वायर हाँ जी, हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे अब. किसकी स्क्वायरिंग? इसकी स्क्वायरिंग कर दूं? चलिए, यस. आप कह रहे हो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं. लो जी, स्क्वायरिंग करवाना जरा. इफ आई डू स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है मेरी. इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर. शाबाश बच्चे, बोलो कैसे करूंगी इसकी स्क्वायर? x² प्लस, ओके, प्लस ठीक है, वन हो गया था काम. इसमें कोई गलती बता सकता है? ये कह रही है इसको करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, इज इट करेक्ट? नो. नो. करेक्ट कौन करेगा? अपने आप आ जाओ माइक के पास. आप जाओ बेटा. एनीवन हु कैन डू द करेक्शन, कम नियर द माइक, बी क्विक. अभी तो भैया हम इसकी स्क्वायरिंग की बात कर रहे हैं, अभी रैशनलाइजेशन क्या? ये तो सब कुछ रैशनली पड़ा, तो रैशनलाइज क्या करूं? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, यहां पर आप एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या ये टर्म बनेगी या कुछ और बनेगा? बच्चों यहाँ क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी नहीं लगानी पड़ेगी? यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर. व्हाट इज इट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो आपने ए, बैठ जाओ बेटा, ये ए का स्क्वायर कर दिया, ये बी का स्क्वायर कर दिया, 2ab तो गायब ही कर दिया. 2 a की जगह x है, b की जगह 1/x है, 14 का स्क्वायर 196. ये x और x कैंसल, तो मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 196.
सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो मुझे वैल्यू चाहिए, ये दो इधर शिफ्ट किया, नेगेटिव का हो गया, तो आंसर विल बी 194। ये बात को ध्यान से समझ लो, वेन एवर यू हैव ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सीधे सीधे ये नहीं है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है, यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये स्टेप आपने याद रखना है। तो आंसर फॉर दिस इज 194। ठीक है जी, अभी हम फोर्थ क्वेश्चन फॉर द टाइम बीइंग छोड़ रहे हैं, और अभी हम करेंगे केस स्टडी का चौथा क्वेश्चन, एक अभी 5 मिनट के लिए छोड़ करके हम फोर्थ एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। इसको नोट कर लो जल्दी से, एंड देन रीड फोर्थ एमसीक्यू। फोर्थ एमसीक्यू में मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, 3√2 / √6 − √3 − 4√3 / √6 − √2 + 2√3 / √6 + 2। मैंने कहा जब भी हमारे डिनोमिनेटर इरेशनल होते हैं तो हम पहला स्टेप करते हैं उनको रैशनलाइज करना, एक एक टर्म उठाते जाते हैं, रैशनलाइज करेंगे और आंसर बताएंगे। जल्दी से जरा इसको रैशनलाइज करो, और जिसका आंसर आ जाए वो माइक के पास आके मुझे आंसर बताएगा। फटाफट करना जरा, थोड़ी चुस्ती दिखाओ काम करने में, सुस्ती नहीं, जल्दी से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो और क्या आंसर बना रहे हो वो बताओ। बातें नहीं, काम पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर? √6 + √3। न्यूमरेटर बना 3√2 विद इन ब्रैकेट √6 + √3, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा बच्चों? √6 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, 6 − 3 = 3। ये 3 को इस 3 से कैंसिल कर देते हैं। अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूं तो क्या मिल रहा है मुझे? √2 बीइंग मल्टीप्लाइड विद √6 एंड √2 मल्टीप्लाइड विद √3, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट? हाँ जी, √2 को √6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? √12, और यहां मिलेगा √, हमें मालूम है रूट ए इंटू रूट बी इज सेम एज √ab। अब यहां पर 2 पड़ा है अंडर रूट में और यहां 6, तो ये बन गया √12 + √6। इसका मतलब पहली टर्म को सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिल रहा है? √12 + √6। इसको अभी हम नोट कर लेते हैं, पहली टर्म से मिला √12 + √6। चलिए जी जरा पीछे चलते हैं, लेट अस गो बैक टू आर क्वेश्चन। चलिए कहाँ चला गया,
हाँ जी, पहली टर्म को सॉल्व करके रूट 12 प्लस रूट 6 आ गया था। अब जरा जल्दी से सेकंड टर्म को सॉल्व करके बता दो क्या निकाल रहे, फटाफट करना, जरा जल्दी जल्दी काम करने की आदत डालो, सो मत जाया करो क्वेश्चन को देख के। 4√3 अपॉन √6 माइनस √2, जल्दी से रैशनलाइज करो और मुझे बताओ क्या आंसर बना रहे हो फटाफट। हाँ जी, आया किसी का आंसर? नाइन्थ बी गुरवीर, गुरवीर फ्रॉम नाइन्थ बी, फटाफट आ जाओ जरा माइक के पास। नाइन्थ बी हरजोत, जल्दी आ जाओ बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी माइक के पास और मुझे बताओ क्या स्टेप फॉलो करूं। बोल बेटा, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, इतनी देर से क्लास में बैठे थे कि कहीं और ही थे? कुछ बोल दो बेटा, रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को जो कि है √6 माइनस √2, कैसे रैशनलाइज करूं, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड? बेटा इतनी देर से क्लास में बैठ के कर क्या रहे थे? मैडम प्लीज आप चॉक कॉपी चेक करना है, इसने कुछ लिखा है, कुछ नोट किया है? कहाँ है कॉपी बेटा? मैडम को दिखाओ जरा क्या किया तुमने अभी तक इतनी देर क्लास में। नाइन्थ बी सागर, वेर इज सागर, आ जा बेटा फटाफट माइक के पास। हाँ जी, रैशनलाइज करना है किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड। हाँ जी, माइक के पास जाओ, कम नहीं है तो माइक। हाँ, √6 को डिवाइड करना है, √6 को डिवाइड करना है। अगर मैंने यहां पर इसको रैशनलाइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? इतनी देर से क्लास में क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया जो किया हमने, या बस ऐसे टाइम पास हो रहा था? रैशनलाइज करने के लिए क्या कहा था, क्या करें, किसका साइन बदल दें? यहां पर दोनों ही इरेशनल नंबर हैं तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है मुझे, √6? ये समझ में आया कुछ बेटा सागर? तो अभी तक क्या हो गया था, जो क्वेश्चन अभी क्लास में किए इससे पहले, अभी अभी इसको रैशनलाइज किया था, √6 + √3 से मल्टीप्लाई किया था, कुछ लिखा, कुछ समझ में आया था कि बस ऐसे ही बैठ के टाइम ही खराब कर रहे हो? अच्छा, तो फिर इसमें क्या हो गया था, कुछ और पूछ लिया था मैंने?
गो टू योर सीट और ध्यान से सुना करो, नहीं समझ में आता तो पूछा करो, अननेसेसरी टाइम नहीं खराब करना है बैठ के हमें। गो टू योर सीट। फोर रूट थ्री, रूट सिक्स प्लस रूट टू, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा जल्दी से बोलो। ये चार और चार कैंसल, रूट तीन को रूट छह से मल्टीप्लाई करूं क्या आएगा, और रूट तीन को रूट दो से मल्टीप्लाई करूंगी तो रूट सिक्स। तो सेकंड को सॉल्व करके रूट 18 प्लस रूट छह, इसको सिंप्लीफाई करके आया है रूट 18 प्लस रूट छह, और इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया था, रूट 12 माइनस रूट प्लस रूट छह। थर्ड को करो, थर्ड टू रूट थ्री रूट छह प्लस दो, मैं इसको दो माइनस रूट छह से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ और रूट छह माइनस दो से भी मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। टू रूट थ्री रूट सिक्स माइनस टू, और डिनोमिनेटर रूट छह का स्क्वायर छह और दो का स्क्वायर चार। ये टू इससे कैंसल तो बना रूट 18 माइनस टू रूट थ्री, सो दिस इज रूट 18 माइनस टू रूट थ्री। ये सारी चीजें डाल करके हम अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहली टर्म है रूट 12 प्लस रूट छ, इन बिटवीन नेगेटिव साइन रूट 18 प्लस रूट छ प्लस साइन रूट 18 माइनस टू रूट थ्री। ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, रूट 12 प्लस रूट छ माइनस रूट 18 माइनस रूट छ प्लस रूट 18 माइनस टू रूट थ्री। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, रूट 12 माइनस टू रूट थ्री। अब क्या करूं, क्या इस अंडर रूट 12 को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो? करना जरा, कैसे लिखोगे रूट 12 को? अनदर वे ऑफ राइटिंग अंडर रूट 12, बारह के प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। जब भी मुझे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो दिस इज समथिंग आई डू। 12 का स्क्वायर रूट मतलब 12 की पावर हाफ, और यहां से आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर हाफ। एक्सपोनेंट के रूल्स, 2 स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/2। 2 अंडर रूट मीन्स पावर हाफ मीन्स अंडर रूट, तो रूट 12 इज सेम एज 2 रूट 3 माइनस टू रूट थ्री, सो आंसर इन दिस केस इज 0। तो ये जो कन्वर्जन है एक्सपोनेंट्स के रूल लग करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके हमने कन्वर्जन करी। क्या किया, 12 के प्राइम फैक्टर 2, 2 एंड 3, राइट इट एज 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1/2, क्योंकि आप स्क्वायर रूट कर रहे हो तो पावर हाफ है। एक्सपोनेंट का रूल, ए इंटू बी पावर एन इज ए पावर एन इंटू बी पावर एन, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, सो सिर्फ दो बच गया यहां से रूट तीन, सो रूट 12 इज सेम एज 2 रूट 3। 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 गिव्स द आंसर एज 0। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है सेकेंड एमसीक्यू। सेकेंड एमसीक्यू है आपके पास, x इज इक्वल टू 2 अपॉन
थ्री प्लस रूट सेवन, और आपसे वैल्यू पूछी गई है एक्स माइनस तीन का स्क्वायर। सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लो। जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो पहला काम हम करते हैं रैशनलाइजेशन का। लो जी, इसको कर दो रैशनलाइज। अभी रैशनलाइजिंग फैक्टर मालूम है सभी को? नाइन्थ बी सुखमनजीत, सुखमनजीत फ्रॉम नाइन्थ बी, फटाफट आ गया जा बेटा माइक के पास, जल्दी से बी क्विक एंड टेल मी व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर थ्री प्लस रूट सेवन। थ्री माइनस टू का स्क्वायर, थ्री माइनस टू का स्क्वायर, टू प्लस अंडर रूट सेवन। थ्री माइनस अंडर रूट सेवन। मैं इसको थ्री माइनस अंडर रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड। ठीक है बेटा, जाओ सीट पर, सिंप्लीफाई करो इसको। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद थ्री माइनस रूट सेवन। न्यूमिरेटर इज टू इंटू थ्री माइनस रूट सेवन, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? हाँ जी, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? थ्री का स्क्वायर माइनस रूट सेवन का स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर नाइन और रूट सेवन का स्क्वायर सेवन। नाइन माइनस सेवन इज टू। इस टू से कैंसिल, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू है थ्री माइनस रूट सेवन। किसी को कोई डाउट है तो बता दो। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो। एक्स की वैल्यू थ्री माइनस रूट सेवन डालो, उसमें से तीन माइनस कर दो, पूरे का स्क्वायर कर दो और आंसर बता दो क्या बनाते हो। एक दूसरे की शक्लें पता नहीं क्यों देखने बैठ जाते हैं। जो काम है उसको लिखो और करके आंसर बता दो। नाइन्थ ए जसप्रीत, जसप्रीत फ्रॉम नाइन्थ ए, फटाफट आ जा बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ जी, ये जो एक्स की वैल्यू निकाली है थ्री माइनस रूट सेवन, ये समझ में आई है? हाँ जी, ये सुनो, हाँ क्या ये वैल्यू थ्री माइनस रूट सेवन? हैव यू अंडरस्टूड कैसे पहुंचे हम इस पे कि नहीं? नहीं समझ में आया? क्या बोल रहे हो बेटा? यस बोल रहे हो, बाकी बता दो क्या बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यस, चलो फिर अब आगे बता दो जरा। एक्स माइनस थ्री करना है, एक्स की जगह क्या डाल दो बेटा इसमें? एक्स की जगह की वैल्यू निकाली थ्री माइनस रूट, इसमें से माइनस तीन और उसका। अब कुछ इसमें से क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें बेटा? माइनस रूट सेवन का स्क्वायर बताना बच्चे क्या आएगा? सेवन माइनस स्क्वायर करके पॉजिटिव हो गया, रूट सेवन इंटू रूट सेवन गिव्स मी आंसर एज सेवन। हाँ जी बच्चे, ये समझ में आया जसप्रीत? यस। चल जाओ सीट पर। अब देखो जी थर्ड एमसीक्यू, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहां पर जो मुझे एक्सप्रेशन दिया है दैट इज थ्री अपॉन फाइव टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ 27।
और मुझे कहा गया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। अभी तक तो पुराना रैशनलाइजिंग फैक्टर ही समझ नहीं आ रहा था, जहां पर एक रैशनल पार्ट और दूसरा इरैशनल स्क्वायर रूट के साथ आ रहा था। अब यहां पर फोर्थ रूट के साथ आ गया और मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, अब क्या करें? अगर आपको रैशनलाइजिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन जो मैंने बताई, अगर वो माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए दिक्कत नहीं है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था? वो चीज जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर एक रैशनल नंबर बन जाए। ठीक है जी, ध्यान से देखना इसको। दिस इज 3/5, इसको मैं लिख रही हूं 27 की पावर 1/4। फोर्थ रूट का यही मतलब है। मुझे इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे इसको रैशनल नंबर बनाना है। ये अभी कैसा है? इरैशनल। 27 का फोर्थ रूट अगर हम करें तो वो एक इरैशनल नंबर मुझे रिजल्ट कर रहा है, मैं इसको रैशनल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा 27 को 3 का क्यूब, लिख सकते हो? आई राइट इट एज 3/5 × 3 की पावर 3/4। मैंने इस टर्म को बनाना है रैशनल। इसका मतलब यहां पावर जो 3/4 है, अगर वो पावर 1 बन जाए तो रैशनल हो जाएगा। अब सोच के बताना, 3 की पावर 3/4 पड़ा है, मैं इसे बनाना चाहती हूं 3 की पावर 1, तो मुझे 3 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यहां पड़ा है 3 की पावर 3/4, रैशनल बनाने का मतलब 3 में कन्वर्ट कर दूं, इसका मतलब इसको 3 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या पावर होगी ये बताना है। हाँ जी, जी जिसको पता है वो माइक के पास आ जाओ जरा, रादर देन आई कॉल एनीबडी हु नोज। गलत भी है दिक्कत नहीं है, पर कुछ कोशिश करो और बताओ कि क्या पावर लूं मैं 3 की। हाँ जी, कौन आएगा माइक के पास? जिसको समझ में आ रही है थोड़ी भी बात, ठीक समझ आ रही है गलत आ रही है वो बात की बात है, पर कुछ तो बोलेंगे। 9th A, अनमोल। अनमोल फ्रॉम 9th A। हाँ जी बेटा बोलो, कितनी पावर लूं मैं 3 की? 1 1। ओके, अगर मैं यहां 3 की पावर 1 कर दूं, तो बच्चे जब बेस सेम होते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन से मुझे क्या मिलेगा? बेस सेम होने पे पावर, तो मुझे तो मिल गया 1 + 3/4, मतलब 3 की पावर 7/4 बन गई। मुझे कितनी बनानी थी? गड़बड़ हो गई। वन बाय फोर। देखो जी, ध्यान से समझ लेना, जाओ जी अपनी सीट पर। मेरे पास है 3 की पावर 3/4, आई वॉन्ट टू मल्टीप्लाई इट विद सम पावर ऑफ एक्स सो दैट आई गेट पावर एज 1। चाहे बेटा सीट पर जाओ और ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। बेस सेम होने पर पावर्स हो जाती हैं ऐड। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा, अगर ए पावर एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई हो तो दोनों की पावर बराबर। यहां बेस सेम, इक्वालिटी की दो तरफ बेस सेम, तो पावर बराबर हो जाती है। इसका मतलब x+3/4 is 1, सो एक्स की वैल्यू 1 - 3/4 that is 1/4। इसका मतलब इसको मुझे 3 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई और 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर हुआ 3 into
थ्री की पावर 1/4, डिनोमिनेटर हुआ 5 इनटू, इन दो को कंबाइन करूं तो 3, 3 से 3 कैंसिल, सो न्यूमरेटर इज 4th पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय 5। सो रैशनलाइजिंग करने के बाद, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के बाद मेरा आंसर बना बी, दैट इज 4th पावर ऑफ 3 डिवाइड बाय 5। दोबारा देख लो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, रैशनलाइज करने का मतलब ये जो इरेशनल फैक्टर है ये रैशनल में जाना चाहिए था। 27 का 4th रूट, 27 को लिखा 3 क्यूब, ये पावर्स मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/4, इस पावर को 1 बनाना था तो 3 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना था, बेस सेम पावर्स ऐड, सो x+3/4 इज इक्वल टू 1, दैट गिव्स मी x एज 1/4। इसका मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है 3 की पावर 1/4, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिनोमिनेटर में ये दो टर्म्स मिल करके बेस सेम पावर्स ऐड करने पे पावर 1, 3 और 3 कैंसल, क्यूब रूट ऑफ, सॉरी 4th रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 5। इज इट ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? चलिए जी, द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज 5th क्वेश्चन, और इसी सेम कॉन्सेप्ट पे केस स्टडी का जो 4th पार्ट है वो भी आपका हो जाएगा। तो पहले जरा हम देखते हैं, मुझे दिया है √3 - √2। थोड़ा ध्यान से समझना पहले, फिर उसके बाद करना। ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड एंड व्हाट एवर आई एम सेइंग, लिसन टू दैट केयरफुली। मुझे इस इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट करने को बोला गया है, और अगर आप आंसर्स पर ध्यान दो तो आपके पास किसी भी ऑप्शन में ये स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, ये गायब हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या सोच रही हूं, आई थिंक कि अगर मुझे ये स्क्वायर रूट को गायब करना है तो अंदर किसी चीज का स्क्वायर पड़ा होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर रूट गायब हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3 - √2 शुड बी स्क्वायर ऑफ समथिंग, शुड बी अ स्क्वायर ऑफ नंबर। अगर मैं इस क्वांटिटी को किसी नंबर का स्क्वायर बना के लिख दूं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। अब 3 - √2 को किसी चीज का स्क्वायर बनाना है, इन बिटवीन दो टर्म्स हैं, सिंगल टर्म तो है नहीं, अब दो टर्म्स हैं और इन बिटवीन नेगेटिव साइन आ रहा है। इस नेगेटिव साइन से मुझे ये बात समझ में आती है कि इसको मैं a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। a - b होल स्क्वायर का मतलब a² + b² - 2ab। मैं क्या करूं, मैं इस टर्म से इसका कंपैरिजन कर दूं, जब कंपैरिजन करूंगी तो ये जो रैशनल पार्ट है वो इसके बराबर और जो ये इरेशनल पार्ट है वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी क्वालिटी होल्ड करेगी। इसका मतलब 2ab क्या बन जाना चाहिए, 2√2। इसका मतलब मेरे पास आ गया a·b√2। ये कब पॉसिबल है, सपोज मैं ए को √2 ले लूं और बी को 1। दोबारा देखो, ये स्क्वायर रूट हटाना है मतलब अंदर वाले टर्म को स्क्वायर बनाना है किसी चीज का, दो टर्म्स हैं मेरे पास, इन बिटवीन नेगेटिव है, इट मींस दिस कैन बी कन्वर्टेड पॉसिबली इन a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab। इसके साथ जब इस टर्म को कंपेयर किया रैशनल को रैशनल के साथ, और ये जो 2ab वाले टर्म है वो उसको इसके साथ कंपैरिजन जब मैं कर रही हूं तो मुझे मिल रहा है a·b as √2। यहां से मैंने कंक्लूड कर दिया a√2 b1, या अदर वे राउंड a1 हो जाए b√2 हो जाए।
अब देखते हैं यहां पर डाल करके, अगर मैं रूट टू माइनस वन का स्क्वायर करूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, दो प्लस एक माइनस दो रूट टू, इट मीन्स आई एम गेटिंग थ्री माइनस टू रूट टू. रूट टू माइनस वन का स्क्वायर थ्री माइनस टू रूट टू बन रहा है, ये मुझे समझ में आ गया. इसका मतलब यहां पर मैं थ्री माइनस टू रूट टू की जगह रूट टू माइनस वन का स्क्वायर लिख सकती हूं. ये और ये कैंसल, तो रूट टू माइनस वन. इसको देख लो, थोड़ी बहुत बात भी समझ में आ रही है तो चलेगा, बहुत ज्यादा आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ ही समझ में आ जाएगा. एक्सक्यूज मी मैम, जी डायरी पीरियड बेल हो गई है मैम, प्लीज. ओके 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 ठीक है जी, तो ये हम अगली क्लास में वापस कॉन्टेक्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, ओके जी, बाय बाय.